नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आइए चलिए हम आज बनाते हैं मसाला पोहा। हम ले रहे हैं एक बोल पहले से भिगोया हुआ पोहा, करी लीव्स, पनीर क्यूब्स, अनियन स्लाइसेस, टमाटो फाइनली चॉप्ड एंड कोरिएंडर गार्निश में। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक हेल्दी पोहा बना रहे हैं तो उसके लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट रहेगा। उसमें हम डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, पिंच ऑफ हींग, इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी 6 से 7 कड़ी पत्ता, इसको हम हाथ से थोड़ा सा तोड़कर डाल देंगे। जब ये पक जाए हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। अनियन ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। मसाला पोहा काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, बट हम बहुत क्विक एंड ईजी तरीके से बनाएंगे, जो कि घर में ही अवेलेबल चीज़ों से बन जाएगा और काफ़ी हेल्दी भी होगा खाने में। ये हम बहुत ही कम ऑयल में बना रहे हैं और जब ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाए इसमें हम ऐड करेंगे अपने टोमेटोज फाइनली चॉप्ड। उसके बाद इसमें हम अपने पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ना भी ऐड करें, बट पनीर डालने से ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। इसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है काली मिर्च से, एंड थोड़ा सा गरम मसाला। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि ये ओरिगैनो सीजनिंग है। ओरिगैनो सीजनिंग का मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इससे एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है और सबको अच्छा लगता है ये खाने में। बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो ना भी डालें। अब हम इसमें अपना प्री-सॉक्ड पोहा डालेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे और पकने के बाद जब इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर की, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोज़।